नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। सीएम योगी कई मौकों पर यह साफ कह चुके हैं कि जो भी अधिकारी जनता की समस्याओं को नहीं सुनेगा या लापरवाही करेगा उसे उसका अंजाम भी भारी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सीएम योगी आए दिन अधिकारियों को टाइट करते हुए दिखाई देते हैं और जो भी लापरवाही करते हुए पाया जाता है उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए सस्पेंड भी कर देते हैं। योगी राज में जितने लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया गया है ऐसा पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, क्योंकि सीएम योगी को अफसरशाही और लापरवाही एकदम बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए वो जनता दरबार भी लगाते हैं जिसमें दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को बखूबी सुनते हैं और उनका निपटारा करने के लिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को आदेश भी देते हैं और जिस अधिकारी की कमी दिखाई देती है उसकी तुरंत क्लास भी लगाते हैं। और एक बार फिर से सीएम योगी उन अधिकारियों का अच्छा इलाज करने के मूड में हैं जो किसी की समस्याओं का सुनना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि जो निकम्मे किस्म के अधिकारी हैं। जी हाँ, आम आदमी की फरियाद को अनसुना करने वाले अधिकारियों के बुरे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी थानों और तहसीलों पर लंबित शिकायतों का ब्यौरा तलब किया है। जिलेवार तैयार हो रही इस रिपोर्ट में थाना और तहसील दिवसों में आई शिकायतों के आधार पर एक एक थाने और तहसील की कार्य पद्धति का आकलन होगा। सीएम ने बुधवार को टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में जनता दर्शन और IGRS पोर्टल पर आई समस्याओं को भी शामिल किया जा रहा है। ये जिला और विभागवार रिपोर्ट फील्ड में तैनात अधिकारियों के प्रदर्शन की गुणवत्ता का मानक बनेगा। खुद मुख्यमंत्री इस बाबत जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ समीक्षा करेंगे जिसके बाद लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाए ये शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। तहसील और थाना दिवसों के आयोजन के पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो और केंद्रीय कृत व्यवस्था के रूप में IGRS पोर्टल की सुविधा भी है तो मुख्यमंत्री जनता दर्शन की आयोजित हो रहा है। इन सभी आयोजनों की सफलता फरियादी की संतुष्टि है। ऐसे में इन सभी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। सारी बातें सीएम योगी ने कही है, यानी कि अब जल्द ही उन अफसरों की नपाई होने वाली है जो अपने दायित्व का ठीक से पालन नहीं करते हैं। अब देखना ये होगा कि समीक्षा के बाद सीएम योगी किस किस की छुट्टी करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।